नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद सूबे की योगी सरकार आरोपियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं योगी सरकार की बिल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ राजनीति तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है। विपक्ष की ओर से बयानबाजी के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रयागराज और कानपुर में एक तरफ पत्थरबाजियों की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को कष्ट होता है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद पर घर के ऊपर बिल्डोजर चलाने पर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। अखिलेश पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा को पत्थरबाजों और आतंकियों में हमेशा से ही शांति दूत नजर आते हैं। ये कोई पहली बार नहीं जब अखिलेश यादव ने दबंगियों और पत्थरबाजों की पैरवी की हो। जब जब योगी सरकार का बिल्डोजर इन अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर गुजरता है तो अखिलेश इनके समर्थन में आ जाते हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक यही लोग हैं। अगर इनको समर्थन नहीं उतरेंगे तो इनकी रणनीति और राजनीति कैसे चमकेगी। इसके आगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि सपा का हाथ पत्थरों के साथ। वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ में भी कुछ साल पहले जब आतंकियों ने बम ब्लास्ट कर कई बेगुनाहों की जान ली थी, तब उन कथित शांति दूतों की पैरवी के लिए सपा उच्च न्यायालय तक की शरण में चली गई थी। आपको बता दें, योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि ये कहां का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरों में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बिल्डोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान और न ही संविधान। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन के साथ।